लोक आस्था का महापर्व हो और आस्था के गीत न गाए जाएं तो यह बेईमानी होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं तिलका मांझी के मिश्रा टोला में और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ महिलाएं पूजन सामग्रियों को धूप में सुखा रहे हैं और छठी मैया का गीत गा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर छठी मैया के गीत गाते हुए जो छठव्रती हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पूजन सामग्रियों को सुखा रहे हैं। हम बात करते हैं, जो श्रद्धालु हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह की आस्था है उनका छठ मैया के प्रति और कितनी शुद्धता और स्वच्छता के साथ वो जो सामग्री है पूजन सामग्री को सुखाते हैं। छठ पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। ये पर्व साल का हर घर घर में मनाया जाता है ये पर्व, और इसमें गेहूं है, यह है और सब तरह का फल फूल है लेके मनाया जाता है। इस पर्व का माने नियम परहेज का अंत नहीं है, जितना भी करते हैं उतना भी कम ही नजर आता है। शुद्धता का कितना ख्याल रखा जाता है? शुद्धता का हर समय का यही ख्याल रखा जाता है, कोई भी चीज़ हाथ बिना धोए नहीं, नहाए बिना कुछ भी नहीं किया जाता है। सब पर में बहुत ज़्यादा शुद्धता होता है, इसका अंत नहीं है। पूरे नियम और निष्ठा के साथ ये पर्व मनाया जाता है। कुछ और यहाँ पर श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। चाची, छठ पर्व में जो ये सुखाया जाता है, कितना नियम और निष्ठा के साथ पर्व ये मनाया जाता है? बहुत नियम निष्ठा से मनाया जाता है, गाँव में कोई छुए नहीं, अच्छा से धोया जाए, ये सब होता है, साफ से धोया जाता है, चुना जाता है। पूरे नियम और निष्ठा के साथ ये जो छठ व्रत मनाया जाता है, इसमें नियम और निष्ठा का विशेष ख्याल रखा जाता है। और कुछ महिलाएं उनसे बात करते हैं, हाँ, किस तरह का नियम और निष्ठा का ख्याल इस किस तरह से रखा जाता है? नियम इसमें बहुत है, कदुआ भात से लेकर के जिस दिन निस्तार होता है उस दिन तक बहुत नियम होता है। बिना नहाए कोई चीज़ छूना नहीं है, कुछ करना नहीं है, हाँ, गीत भजन के साथ होता है, बिना नौ कटाए, बिना नहाए, तो बिना पैर रंगे, ये सब नहीं होता है। बहुत नियम करना पड़ता है, कदम कदम पर हम लोग को फूक फूक के चलना पड़ता है।
भगवान का आराधना करते करते ही हम लोग सब चीज करते हैं। पूरे नियम और निष्ठा का ख्याल रखा जाता है। चाची, किस तरह से आप लोग पूजा करते हैं छठ मैया के का, जो ये पूजन सामग्री आप लोग सुखा रहे हैं तो इसमें छठ गीत गाते हैं, तो किस तरह का आराधना करते हैं, किस तरह से मैया को रिझाने की कोशिश करते हैं? जहाँ तक वहाँ तक शक्ति है भगवान को मनाते हैं एकदम से, और नहा के सब काम करना पड़ता है, नाखून को भिड़ा के एकदम से, और बिना खाए पिए भी लगे रहते हैं। पूजन सामग्रियों को सुखाते हुए कुछ और महिलाएं उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि छठ मैया का गीत कितना, ये जो आप पूजन सामग्री को सुखा रहे हैं तो छठ मैया का गीत गा रहे हैं, तो कितना महत्व है छठ गीतों का? छठ गीत आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है। हम लोग अपने त्यौहार में छठ माँ से जो जो चीज़ मांगते हैं उन सब का वर्णन है सभी लोग गीतों में, उनको क्या क्या चढ़ाते हैं उन सब का वर्णन है। जैसे आप किसी गाने में सुनते हैं, कभी कोई अपने लिए बेटा मांगता है, कभी कोई अपने लिए दामाद मांगता है, कभी कोई सुहागन अपने सुहाग की रक्षा के लिए छठी माँ से प्रार्थना करती है, अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए करती है, वो सब गीतों में वर्णन है। इसी तरह से हम लोग जो जो चीज़ चढ़ाते हैं छठी माँ को वो सब का वर्णन है, तो आस्था से जुड़ा हुआ है। हम लोग अपने दूर बसे हुए लोगों के लिए भी माँ से, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी समृद्धि के लिए कामना करते हैं, ये सब कुछ गाने में मिलता है। तो आपसे एक अनुरोध रहेगा कि दो लाइन छठ मैया का गीत आप गा दें। केरवा के पात पर उगलन सूरज देव जाके झुके, केरवा के पात पर उगलन सूरज देव झाके झुके, से करे लू छठ बरतिया से झाके लहू के, से करे लू छठ बरतिया से झाके झुके, हमरा से पूछी बरतिया ए बरतिया से किकड़ा लागे, हमरा से पूछी बरतिया ए बरतिया से किकड़ा लागी, से करे लू छठ बरतिया से किकड़ा लागी, करे लू छठ बरतिया से किकड़ा लागी। तो इस तरह भागलपुर के बराड़ी में मिश्रा टोला में जो छठ व्रती हैं, श्रद्धालु हैं, वो छठ गीतों को गाते हुए मैया छठी को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज़ भागलपुर।